साकल पाठ में जाएंगे तो तुमको रियल में कितना मिलेगा मंत्र? 1017। बालखिल में जाएंगे तब तुमको कितना मिलेगा? 11 मंत्र। बात समझ में आया? और यदि वास्कल में जाएंगे तो कितना मिलेगा तुमको? 56। कितना? 56। अब टोटल को जोड़ो कितना होता है? 1084। क्लियर? यदि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि टोटल कुल है ना सुक्तों की संख्या कितनी है, तो 1084। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1028। क्यों पढ़ रहे हैं 1028? इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो 56 है ना, ये अब उपलब्ध नहीं है, ये मंत्र अब उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण काउंटिंग करो तो कितना टोटल आ गया? 1028। नहीं समझे? यदि आपसे प्रश्न इतना बारीकी से लेकर के चले जाए, अब पूछ दे कि ऋग्वेद में कितना पाठ, तो बता दीजिएगा 3 पाठ। पहला पाठ कौन सा है? तो साकल पाठ है। दूसरा कौन पाठ है? तो बालखिल पाठ है। तीसरा कौन सा है? तो वास्कल पाठ है। साकल पाठ में कितना सूक्त है? तो 1017। बालखिल में कितना है? 11। इसमें विशेष चर्चा किसका है? तो 8वें मंडल का है। क्लियर? और वास्कल में 2 से 7वें मंडल का चर्चा है, और इसमें कितना सूक्त है? तो 56 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये अब क्या है? उपलब्ध नहीं है। तो वहां स्टार डाल करके लिख लो, स्टार डाल करके पढ़ लो। वैदिक साहित्य को अपरिचय या नित्य भी कहा जाता है। अपरिचय की जगह यदि तुमको नित्य दिया रहेगा तो वो भी मान लेना। साथ ही साथ वैदिक साहित्य श्रुति के नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चल आगे। ऋग्वेद में कुल कितना मंडल? टोटल सूक्तों की संख्या 1028 है ना, अब प्लस 56 जोड़ देंगे सूक्तों की संख्या, तब कितना हो जाएगा? 1084। 56 अभी क्या है? उपलब्ध नहीं है। ये 56 जो है किस पाठ में आता है? तो वास्कल पाठ में आता है। किस पाठ में? वास्कल पाठ में। क्लियर है? जबकि हमारे पास साकर और बालखिल पाठ के सूक्त जो है वो क्या है? उपलब्ध है। क्लियर है? यदि आपसे सूक्त हो गया, अब यदि आपसे मंत्रों की संख्या पूछेगा तब कितना है, तो राइट डाउन कर लीजिए। मंत्रों की संख्या 10580, 10580, 10580। अब यदि गलती से यदि आपको प्रश्न पूछ देगा कि साकल पाठ में कितना मंत्र है, तो सूक्त है, तो बता दीजिएगा। और आपको हम बता रहे हैं, आप पहला व्यक्ति होंगे जो बना के आइएगा। 110% बोल रहे हैं। साकल और बालखिल ये जो है इसमें कितना है? तो 11। और ये वाला मेरे पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण टोटल कुल सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? तो 1028। ठीक है ना? क्लियर है? 2 से 7 मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां, 10वां प्रवर्ती मंडल के माने जाते हैं। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है, जो सबसे बाद का मंडल है। पुरुष सूक्त में वर्णों की चर्चा है। नेक्स्ट, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद को समझने के लिए प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ में चलेंगे तो एक तो खुद ब्राह्मण आएगा, तो 2 ब्राह्मण निकला, ये किताब लिखा। ठीक है ना? किसको समझने के लिए? जी। और ये अरण्यक है, अरण्यक मतलब होता है जंगल, है ना? कहां? जंगल में लिखा है। अब ये जंगल में जो लिखा है वो लिखना है, फिर उपनिषद को देखना है। उप मतलब क्या होता है? नजदीक, बैठ कर करके जो है लिखना है। ठीक है? तो अरण्यक का मतलब क्या हो गया? जो जंगलों में लिखा। चल, अरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन, वन में लिखे जाने वाले पुस्तक हैं। ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश है अथवा उनके परिशिष्ट है। ये सभी अरण्यक वेद को समझने के लिए
एक सेतु का कार्य करती है। ऋग्वेद के दो अरण्यक हैं, दो ब्राह्मण एत्रेय और कौशितीय, ठीक है, और दो अरण्यक एत्रेय और कौशितीय, नहीं समझे? एक ऋग्वेद वेद, वेद में चलेंगे चार वेद, एक ऋग्वेद, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, दो ब्राह्मण में एत्रेय और कौशितकीय, और इसके दो अरण्य, अरण्य एत्रेय और कौशितकीय। एक बार नाम याद हो गया, कुछ भी आएगा तो इसरे को एत्रेय कौशितकीय मारना है, नहीं समझे? अब आते हैं उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद शब्द उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निष का अर्थ होता है बैठना, अर्थात इसमें गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था। ये वेद के अंतिम भाग हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 10 महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। ये 10 उपनिषद हैं ईस, केन, है ना, ईस, केन, कट, प्रश्न, प्रश्न, मुंडक, मुंडक, मांडुक, मुंडक और मांडुक, छांदोग्य, 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 बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, एत्रेय और कौशितकीय। मंडो छांदोग्य, एत्रेय और कौशितीय, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। अभी भारत का प्रश्न मतलब ये क्या है चिन्ह, सत्यमेव जयते, क्या लिया है? सत्यमेव जयते, है ना? कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो मुंडको मिला, ये मुंडक हो गया, ये मांडुक हो गया, छांदोग्य। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद कौन लिखा है, तो नहीं पता है सर, ये औपनिषद है या नित्य, इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत दिमाग में सेट? उसके बाद इस ऋग्वेद के जो है कितने ब्राह्मण हैं, तो दो ब्राह्मण हैं, एत्रेय कौशितकीय। कितना अरण्य है, तो एत्रेय और कौशितकीय। कितना उपनिषद है, तो एत्रेय और कौशितकीय, मतलब सब में एत्रेय और कौशितकीय। ये आसान है। उसी तरीके से अब जो हम लोग देखेंगे यजुर्वेद, तो वहां यजुर्वेद में कितना ब्राह्मण, कितना अरण्य, कितना उपनिषद, ये सब देखना है। क्लियर?